देसी माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 11 दिसंबर से गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर क्षेत्रीय क्रीड़ांगन गोरखपुर में 5 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस समय समय पर सरकार द्वारा कराया जा रहा है। छात्रों और समाज के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे इंसेफ्लाइटिस, संचारी रोग नियंत्रण, मलेरिया, फाइलेरिया आदि बीमारियों से बचाव के लिए तथा सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जनहानि से बचाव के लिए यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अनेक कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा गोरखपुर मंडल में चलाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा खेलों के आवंटन में गोरखपुर मंडल ने प्रदेशीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। अब शिक्षा निदेशक द्वारा प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न कराने के लिए उनके निर्देश पर गोरखपुर मंडल प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता करा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडल व 2 स्पोर्ट्स कॉलेज गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ एवं सैफ स्पोर्ट्स कॉलेज सहित बालक बालिकाओं की संख्या लगभग 2000 होगी, जिनके ठहरने के लिए माध्यमिक विद्यालय के बालक बालिकाओं के अलग अलग कुल 12 विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आवासीय व्यवस्था के लिए सभी प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि वह अपने विद्यालय में शौचालय, साफ सफाई और पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की उपस्थिति में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा किया जाएगा। गोरखपुर मंडल के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रधानाचार्य को सत्र के अनुसार क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है, जो कि इस खेल की निगरानी करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए 6वीं प्रदेश माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा, फिर 19 वर्ष के बच्चों की और 17 वर्ष के बच्चों की के बीच ये एक तरह से त्रिस्तरीय प्रतियोगिता और एक हो सकता है कि पुराना रिकॉर्ड भी टूटे, कुछ नया रिकॉर्ड भी बने, ये सब तो परिणाम ही बताएंगे। प्रत्येक वर्ग के लिए कम से कम 20 इवेंट्स होने हैं, जिसमें 3000 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की दौड़ है, बट उसके अलावा शॉटपुट थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारे इवेंट्स इसके अंदर आते हैं। स्वागत है 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 लगभग 7 वर्षों के बाद गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित है। 11 तारीख को मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी हैं और उस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव। इसी प्रकार समापन 15 तारीख को उसी ग्राउंड पर संपन्न होगा। इस प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल सहित कुल 18 मंडल और 2 स्पोर्ट्स कॉलेज के करीब 2000 से अधिक प्रतिभागी खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों को विभिन्न इवेंट्स में भाग लेना है। मंडल अधिकारी और इस रैली के संयोजक श्री योगेंद्र नाथ सिंह जी के नेतृत्व में संपूर्ण व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। जो बाहर से अतिथि खिलाड़ी आ रहे हैं उनके आवास की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था लगभग हम सब ने पूरी कर ली है। यह आयोजन हम सब के लिए गर्व का इसलिए विषय है कि पूरा प्रदेश उस स्थल पर आ रहा है प्रतिभाग करने, जहां पर श्री योगी आदित्यनाथ जहां के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हम सब इस कार्यक्रम को उस स्तर तक आयोजित करने में पूरी तन मन धन से समर्पित होना चाहते हैं, ताकि कार्यक्रम में कोई कमी न रहे। खेल कूद के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रदेश सरकार शिक्षा के माध्यम से जो कदम उठा रही है उसमें खेल कूद भी अपने आप एक महत्वपूर्ण घटक है और इसलिए बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के खेल का आयोजन हम सब पहले विद्यालय स्तर पर,
विद्यालय से जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम सब तहसील में, तहसील से जो अच्छे बच्चे निकलते हैं प्रतिभागी बच्चे वो जाते हैं जिले में, जिले से मंडल में, और आज जो आयोजन होने जा रहा है कल से वो प्रदेश का है, यानी 18 मंडल के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं यहाँ आकर के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वह प्रदेश स्तरीय जो आयोजन है उसमें शरीक होंगे। नाम बताओ। डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी, 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022।